वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका आश्रय सुशांत सर। पीटी 6 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है कि ए बॉडी ऑसिलेट SHM विथ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें दे रखा है x इक्वल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन x इक्वल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 दे रखा है और हमें टाइम बोला गया t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड इसमें पुट करना है 5 cos, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो t के प्लेस में हमने यहाँ पे 1 रख दिया, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा। आप जानते हो कि cos 2 पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमारा cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5 cos पाई बाई 4, यहाँ से 5 और cos पाई बाई 4 का जो हमारा वैल्यू होता है वो हमारा 1/√2 होता है। तो अपना आंसर 5/√2 हो जाएगा। तो 5/√2 ऑप्शन हमारा डी से मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड सवाल ये है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 एंड x2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का फेज डिफरेंस देखना है। तो दोनों को एक फेज में ले लो, ये साइन में ये कॉस में है। तो हम क्या करेंगे, तो x1 बराबर आएगा हमारा a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 और x2 बराबर दे रखा है a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो आप इस कॉस को क्या कर लो, साइन के फॉर्म में ले आओ, a sin ओमेगा टी प्लस क्या बोलोगे पाई बाई 2 बोलोगे। फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो। अब ये साइन साइन में आ गया, अगर सेम में आ गया तो हम इसका फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो बड़ा कौन सा है हमारा पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से बोलोगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, तो हमारा कितना हो जाएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, बी से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थ्री नंबर में बोला गया है द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 4 सेंटीमीटर। तो हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है एंड इट्स मीन पोजिशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा मीन पोजिशन पे जो हमारा स्पीड ऑफ पार्टिकल, हम जानते हैं मीन पोजिशन पे स्पीड ऑफ जो पार्टिकल होता है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमें v max इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 8√3 सेंटीमीटर जब हो जाए। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। वेलोसिटी कितना पे, 8√3 पे इक्वल टू हमें ओमेगा निकालना होगा। ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा कैसे निकालोगे, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा होता है, यहाँ पे रखोगे 16 और एम्पलीट्यूड हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। देखो सब कुछ CGS यूनिट में ही है और ऑप्शन में भी CGS यूनिट में, तो हमें कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे 4 ओमेगा इक्वल टू 16, तो हमारा ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम 4 रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें पता है, ए का डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटोगे 4 से तो 2 आ जाएगा, तो 2√3 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 3 12 हो जाएगा और यहाँ से 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हमारा x बराबर जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अपना कौन सा ऑप्शन से मैच किया, बी से। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर सवाल में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ में हमें दे रखा है कि x इक्वल टू a cos ओमेगा t है, ओके, और हमें एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो आप क्या कर लो, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करो, dx/dt करोगे वेलोसिटी मिलेगा, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा a ओमेगा, यहाँ से आ जाएगा sin ओमेगा t, साथ में एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर dv/dt करो तो हमारा एक्सीलरेशन मिल जाएगा, वो आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा cos ओमेगा t, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो है हमारा वो कितना है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। तो ये cos के टर्म में है और माइनस है, अगर हम जानते हैं cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर माइनस आया हुआ है तो ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में हमें दे रखा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
द टाइम पीरियड विल बी, तो हमारा क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एसिलरेशन जो है हमारा वो हमारा आपस में इक्वल है। तो हम जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एसिलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो वी मैक्स इक्वल टू यहाँ पे आप ए मैक्स कर दो और दोनों को आपस में इक्वल कर दो, तो वी मैक्स जो होता है हमारा ए ओमेगा होता है और ए मैक्स जो होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर ए होता है। यहाँ से आपका ए कट जाएगा, तो ए कट जाएगा, तो अब यहाँ से बोलोगे और साथ में एक ओमेगा बढ़ जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हमारा वन आएगा। ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, टू पाई बाय टी इक्वल टू वन, तो यहाँ से आप बोलोगे टी इक्वल टू टू पाई लिखोगे, तो हमारा टाइम बराबर टू पाई होगा और पाई का वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होता है, तो ये हमारा 6.28 सेकेंड हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है सी से, तो हमारा आंसर 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 6 में दे रखा है कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मैक्सिमम एसिलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, देन द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन विल बी क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो आप ऐसे कर लो ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स कर लो, ठीक है। तो ए मैक्स का फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वी मैक्स होता है हमारा ओमेगा ए, ठीक। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ऊपर ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा बाय वन आ जाएगा, ठीक। और हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा को हम टू पाई बाय टी लिख सकते हैं, और बोला गया ए मैक्स जो है वो हमारा इक्वल है किसके इक्वल है, अल्फा के, और जो हमारा नीचे क्या है वी मैक्स है, वी मैक्स हमारा किसके इक्वल है, बीटा के। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड हमसे पूछा गया, तो टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा हमारा बीटा, तो टू पाई बीटा बाय हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, टू पाई बीटा बाय अल्फा, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में क्या बोला गया है कि ए मास एम इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन द करेक्ट ग्राफ फॉर द एसिलेशन एंड कोरस्पॉन्डिंग लीनियर वेलोसिटी। तो हमें वी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में ग्राफ देखना है, तो सिंपल है कि आपके पास जो फार्मूला आपको पता है वो फार्मूला चेक करो। वी स्क्वायर में हम जानते हैं वी का जो फार्मूला होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, आप जानते हो। आप क्या करो, वी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर अगला ए स्क्वायर है, एसिलेशन का फॉर्मूला क्या जानते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जानते हो, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू उसमें डाल दो, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे कि ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये इक्वेशन 2 बोलो, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के का वैल्यू वो उठा के यहाँ पे डाल दो, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि हमारा क्या है, वी स्क्वायर है y पे और हमारा ए स्क्वायर है किस पे, x पे। अगर आप इसको कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि इंटरसेप्ट क्या मिला हमारा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, और हमारा स्लोप क्या है, स्लोप आया हमारा यहाँ पे माइनस वन बाय ओमेगा स्क्वायर, स्लोप हमारा क्या आया, नेगेटिव आया। तो हमारा किस ग्राफ से मैच कर रहा है, तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो आपका इंटरसेप्ट आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, तो आप बोलोगे इधर हमारा वी स्क्वायर है और इधर हमारा एक्स स्क्वायर है, सॉरी इधर हमारा ए स्क्वायर है, तो आप बोलोगे इंटरसेप्ट आना चाहिए पॉजिटिव और हमारा स्लोप कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा किस ग्राफ से मैच कर रहा है, आप देख लो बी से हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, 8 नंबर में क्या बोला गया है कि ए पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय ए म्यूचुअल परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारा दो इक्वेशन दे रखा है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और दूसरा दे रखा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाय ए लिख सकते हैं, और आप इसे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी इक्वल टू y बाय ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर लो, इन दोनों को स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से बोलोगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, और इधर से बोलोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। जानते हैं हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होता है, 1 होता है, यहाँ
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बताओ ये किसका जनरल इक्वेशन है, तो ये हमारा इक्वेशन किसका है, सर्कल का है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी कर रहा है, तो आपका एट का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट है हमारा नाइन नंबर। देखिए नाइन में हमें क्या बोला गया है कि एवरेज एनर्जी क्या होगा वन टाइम पीरियड में, हमसे एवरेज एनर्जी पूछा गया, हमसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा गया, एवरेज एनर्जी। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी के लिए आप पहले देखो कि टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या बोलोगे आप, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हमारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारा ये होता है। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, अब अगर इसे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से एक ए स्क्वायर आएगा, फिर माइनस आ जाएगा हमारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। आप जानते हो कि के इक्वल टू जो होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हम इसको और इसको काट सकते, दोनों चीज़ तो सेम ही हो गया, तो हमारा हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारा काइनेट, हमारा जो एवरेज एनर्जी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जब हम एवरेज निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वो होता है 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, और सेम ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और इतना ही बराबर आप टोटल एनर्जी नहीं बोलोगे। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है हाफ, चूंकि मास भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, और हमारा एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी कांस्टेंट, तो हमारा जो टोटल एनर्जी होगा वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए ए स्क्वायर होगा। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे टोटल एनर्जी का आपको एवरेज निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप सम ऑफ बोलोगे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज, और देखो दोनों सेम ही होता है, तो ट्वाइस लिख दोगे यहाँ से 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको, तो इसका आंसर होता है हमारा क्या, बी। नेक्स्ट है हमारा टेन नंबर। टेन नंबर में हमसे पूछा गया है कि बताइए टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, और फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स दे रखा है, जहाँ पे के जो है हमारा क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी, अभी लास्ट सवाल में भी आया था, वो होता है हमारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो हमारा के होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हाफ के ए स्क्वायर, और के को इन्होंने क्या बोल रखा है, हमारा कांस्टेंट बोल रखा है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टोटल एनर्जी आप यहाँ पे क्या बोलोगे, टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के और हमारा ए आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर इसके लिए हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। 11 में क्या बोल रखा है आपका, सीरीज और पैरेलल का सवाल है, तो दो स्प्रिंग है K1 और K2 और दूसरे में दे रखा है, आप जानते हो कि अगर ये दोनों पहला है हमारा किसमें है, सीरीज में, अगर सेम ही मास से अगर दो स्प्रिंग कनेक्टेड हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जबकि सेकंड में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो हमारा पैरेलल होता है, ये हमारा क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो पहले पार्ट के लिए आप बोलोगे सीरीज के लिए, तो हमारा के सीरीज किस में है, वो हमारा केस वन में है, तो केस वन में हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ये हमारा कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, रजिस्टर का उल्टा। तो सीरीज में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो के लिए हम बोलेंगे, आप ऐसे करके बोलोगे K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, दो के लिए आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा K into 2K divided by 3K, तो ये हो जाएगा हमारा 2K by 3 हो जाएगा। अब हम पैरेलल के लिए देखते हैं, तो K इक्विवेलेंट हमारा पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में हमारा K सेकंड है, और पैरेलल में हम बोलते हैं K इक्विवेलेंट जो होता है हमारा K1 प्लस K2 होता है, तो यहाँ से हमारा K प्लस 2K इक्वल हो जाएगा 3K। अब आगे हमें रेशियो बोला गया है K सीरीज बाय K पैरेलल हमसे पूछा गया, के सीरीज हो गया 2K/3 और पैरेलल में लिखोगे 3K, तो यहाँ से ये K कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/9, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है 11 का सी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। 12 में बोला गया कि एक वेव दे रखा है हमारा y इक्वल टू ए साइन 0.01x-2t, ठीक, वेयर a एंड x आर इन सेंटीमीटर एंड
और टाइम हमें सेकेंड में दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज, तो वेलोसिटी ऑफ जो वेव होता है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के, और यहाँ से ओमेगा किस में होता है, टू का कोफिशियंट होता है, ठीक है, टी का कोफिशियंट होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और हमारा के क्या होता है, एक्स का कोफिशियंट होता है, ये हमारा 0.1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, और डेसिमल करोगे तो ऊपर 200 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 12 का ए से। ओके, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर में देखिए, जो हमारा पहला इक्वेशन दे रखा है वो y1 इक्वल टू 5 sin 2π 75t -0.25x, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है y2 इक्वल टू 10 sin 2π 150t -0.50x दे रखा है, और हमसे यहाँ पे इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है कि बताइए i1 बाय i2 क्या होगा, और क्या गिवन है कि सेम मीडियम में है, ठीक है, अगर हमारा मीडियम सेम है तो डेंसिटी, अब देखो अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आपको ये फार्मूला लगाना होगा। तो हमें रेशियो निकालना है I1 बाय I2 इक्वल टू, अब देखो हाफ तो कॉन्स्टेंट है ये तो कट जाएगा, यहाँ पे लिखो रो 1 बाय रो 2, वेलोसिटी में लिखोगे V1 बाय V2, एम्पलीट्यूड में लिखोगे A1 बाय A2 का स्क्वायर, और ओमेगा में लिखोगे ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बाकी देख लो, सारा वैल्यू लिख दो। तो पहले हम रो 1 बाय रो 2 क्या बोलेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमारा मीडियम सेम है तो डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, ये टर्म तो हमारा कट जाएगा, ठीक। अगला V1 बाय V2, तो V1 कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन में, तो वेलोसिटी ऑफ वेव, V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, तो वो क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ वेव V इक्वल टू होता है हमारा ओमेगा बाय K होता है, ओके, तो हमें यहाँ पे ओमेगा बाय K, ओमेगा किसके साथ होता है, T के साथ, T का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ से 75 डिवाइडेड बाय K क्या होगा हमारा, X के साथ होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.25 इंटू, अब नीचे आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी, V क्या आ जाएगा अपना, V किसका कोफिशिएंट होगा, ओमेगा, वी क्या होता है ओमेगा बाय के, तो दूसरे एक्सप्रेशन का 150, और यहाँ क्या लिखोगे 0.50, ठीक है, के लिखोगे, ये हमारा वी हो गया। एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो पहले वाले A1 कितना है 5 है, और A2 कितना है 10 है, तो 5/10 का स्क्वायर करोगे। ओमेगा, ओमेगा क्या है 75 पहले का ओमेगा 1, और ओमेगा 2 कितना है 150 का स्क्वायर करोगे। यहाँ से आप इसको काटो, तो देखो 75 को आप 150 से कट करोगे, पेन चेंज कर ले, हाँ 75 को 150 से काटोगे तो ये हमारा 2 होगा, 0.25 को 5 से काटोगे 2 होगा, 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ से काटोगे 5 ये 2 हो जाएगा, नीचे ये तो हमारा 1 हो गया, यहाँ से हमारा 1/4 आ गया, और इसको काटोगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, 1/4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो हमारा I1 बाय I2 का जो रेशियो होगा वो हमारा 1/16 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसे इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि वो बोलेंगे कि हमें क्या पूछा गया, इंटेंसिटी का रेशियो पूछा गया है, वो इंटेंसिटी को प्रोपोर्शनल कर देंगे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, क्योंकि उन्हें पूरा तो फार्मूला याद होता नहीं है। अगर आपको पूरा याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमें बोला गया है कि डेंसिटी आप इक्वल है, बाकी चीज़ हमें वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड के बारे में नहीं बोला गया है, दो डिफरेंट हमारा वेव इक्वेशन है। तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/10, तो 1/2 1/4 बोलोगे, अब वो भी हमारे ऑप्शन में है जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1:16 होना चाहिए, तो 13 का क्या पकड़ोगे आंसर, डी। नेक्स्ट है हमारा 14, देखिए 14 में क्या बोला है, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड पाइप इज 50 हर्ज, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड पाइप का क्या होता है, ठीक है, क्लोज्ड पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है हमारा V/4L। आगे बोला गया हमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटर्न, और साथ में इसका हमें ना 50 हर्ज भी वैल्यू दे रखा है, ठीक है, अगर हमसे सेकेंड ओवरटर्न का हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी रेशियो होता है हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में F1, F2, F3:2 क्या होता है 1:3:5 होता है, ओके, आपको पता होगा यहाँ पे हमारा ओड इंटरवल में आता है, ये होता है हमारा फंडामेंटल ओवरटोन, ये होता है हमारा फर्स्ट ओवरटोन, और ये वाला होता है हमारा सेकेंड ओवरटोन, और हमारा ये 1:3:5 किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्मोनिक्स को। तो आप सीधा बोलो कि जो हमारा सेकेंड ओवरटोन होगा
ओवरटोन होगा, जिसको कि हम फिफ्थ हार्मोनिक भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो वो हो जाएगा हमारा 5V/4L। ओके, यही हमें निकालना है, तो इसे मैं बोल देता हूँ एफ डैश। तो आप क्या कर दो, ये पहला इक्वेशन रखो, इसे दूसरा रखो, इनका रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालोगे तो आपका हो जाएगा 50/F' = यहाँ से आ जाएगा V/4L और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5V, यहाँ पे 5V/4L है, ये 5V/4L ऊपर हो जाएगा 4L। इसको कट करोगे तो यहाँ से 4L कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से F डैश कितना हो जाएगा, 5 × 50 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 250 Hz हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 250 Hz कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर है, तो 15 में बोला गया हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंस इज ए 60 decibel साउंड देन ए 30 decibel साउंड। तो 60 decibel साउंड कितना इंटेंस है हमारा 30 decibel साउंड से। ओके, करते हैं, जो हमारा होता है लाउडनेस का फॉर्मूला होता है, वो होता है 10 log 10 base I/I0। आपको पता होगा यहाँ पे आई नोट जो होता है हमारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। और हम ये I1 I जो ऊपर में है वो हमारा चेंज होते रहता है। तो जो पहले केस में जो हमें दे रखा है लाउडनेस, वो दे रखा है 60 decibel, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पकड़ो 60 decibel इक्वल टू यहाँ से 10, यहाँ से आ जाएगा log 10 बेस I डिवाइड, इसको हम क्या बोल देते हैं I1 बोल देते हैं, I1/I0 बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से बोलोगे कि अगर हमें I1/I0 निकालना है तो ये हो जाएगा 10^6, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड के लिए हम देखते हैं 30 decibel के लिए, तो आप क्या लिखोगे, L के जगह पे 30 लिखोगे इक्वल टू यहाँ से 10 log 10 base I2/I0 लिख लो। ओके, 30 decibel के लिए इंटेंसिटी में यहाँ पे I2 बोल रहा हूँ, तो ये कट जाएगा हमारा, 100 कट जाएगा, तो हमारा I2/I0 बराबर हो जाएगा 10^3। ये हमारा दूसरा हो गया, हम क्या करते हैं इसका रेशियो ले लेते हैं। तो I1 आप पहला डिवाइडेड बाय दूसरा कर दो, तो यहाँ से I1/I0 फिर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो हमारा I0 ऊपर चला जाएगा और I2 नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कट और ये बराबर हो जाएगा इधर 10^6 और इधर आ जाएगा 10^3, तो यहाँ पे ऊपर रहेगा 10^3 रहेगा और यहाँ से बोलोगे I1/I2 इक्वल टू 10^3, तो I1 बराबर हो जाएगा हमारा 10^3 को हम 1000 times I2 बोलेंगे, हमारा जो I1 है वो हमारा 1000 times ज़्यादा है, ठीक है, I2 से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 15 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, 16 में क्या दे रखा है, एक हमारा ए स्ट्रेस्ड वायर ऑफ लेंथ 110 cm, एक वायर है जिसका की लेंथ हमारा एक 110 cm दे रखा है, ठीक है। और इनका जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है, तो F1:2, F2:2, F3 बराबर हमें 1:2, 2:3 दे रखा है, इनको ना 3 डिफरेंट सेगमेंट में कट किया गया है। तो मान लो कि ये सेगमेंट हमारा लेंथ का L1 है, ये हमारा L2 है और ये हमारा L3 है, तो आप यहाँ से बोलोगे L1+L2+L3 बराबर कितना होना चाहिए, 110 cm होना चाहिए, ठीक है। और अगर इन ऑप्शन वाइज सबको आप अगर चेक करो तो सारा हमारा कितना होता है 110 भी आ रहा है, एक भी ऑप्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको बेसिक से करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि अगर स्ट्रेस्ड वायर में जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसका जनरल फार्मूला होता है NV/2L होता है, ठीक है। और जो हमारा N स्टार्ट होता है, N का वैल्यू वो 1, 2, 3 सोन हमारा N तक चलते रहता है, ठीक। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है और N तो नंबर होता है, ठीक है, फिक्स वैल्यू होता है, वो कांस्टेंट है, 2 तो फिक्स है ही, तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L के। तो क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि F(L) प्रोपोर्शनल होगा हमारा किसके, कांस्टेंट के हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा कांस्टेंट के, ठीक। तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम F1L1=F2L2=F3L3, ये सारा वैल्यू भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में देखा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, यहाँ पे जब हमारा आया था N(U) प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट के, तो हम यहाँ से क्या कर रहे थे N1U1=N2U2, अगर किसी का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का हमें बेनिफिट क्या होगा, आप L1 को L1 ही लेकर करो, ठीक है। L2 कैसे निकालोगे, तो L2 आप यहाँ से निकालो, तो L2 बराबर आप इन दोनों में कंपेयर कर लो,
ठीक है, क्योंकि हमें L1 के टर्म में रखना है। तो यहाँ से बोलोगे F1 बाय F2 इंटू L1, और F1 हमारा 1 है और F2 का जो रेशियो 1:2:3 है, तो ये 2 इंटू L1 होगा। तो ये वैल्यू हमारा L2 के जगह पे हम L1 बाय 2 रखेंगे। सिमिलरली हमें L3 देखना है, तो आप यहाँ पे पहला और तीसरा को देखो, तो आप यहाँ से L3 बराबर क्या बोलोगे, F1 नीचे इधर आ जाएगा F3 और इधर हो जाएगा हमारा L1। तो ये आ जाएगा, ये 1 है, ये 3 है, ये हमारा L1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा L1 बाय 3 इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको आप ऐड कर लो, ऐड करोगे LCM कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 6 और यहाँ से 3 9, यहाँ से 2 11, 11 L1 इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बोलोगे 11 L1 इक्वल टू 660 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा L1 इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। L1 हमारा 60 हो गया, तो L2 इक्वल टू क्या है हमारा, L1 बाय 2 है। तो यहाँ से 60 बाय 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और L3 निकालोगे तो L1 बाय क्या है हमारा, 3 है। तो यहाँ से 60 डिवाइडेड बाय 3 करने से हमारा कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा जो आएगा 60, 30 और 20, तो 60, 30 और 20, तो हमारा 16 का आंसर कौन सा मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। देखिए 17 में बोला गया द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन HC बाय लैम्डा नॉट हमें दे रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली, किस कंडीशन में होगा। हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस यहाँ पे हमारा क्या होता है W होता है वर्क फंक्शन, ओके। और हम आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन पूछा गया है कि हमारा लैम्डा और लैम्डा नॉट में क्या होगा, और जो हमारा लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉल किया मेटल सरफेस पे वो हमारा लैम्डा है। तो E को आप HC बाय लैम्डा लिख सकते हो, और वर्क फंक्शन हमें HC बाय लैम्डा नॉट दे रखा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारा पॉजिटिव होगा तो आप बोलोगे कि HC बाय लैम्डा ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना, तो HC बाय लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए हमारा HC बाय लैम्डा नॉट। इस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से क्या बोलोगे, HC कट जाएगा, तो लैम्डा नॉट हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, लैम्डा से होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन जो मैच हो रहा है हमारा लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारा लैम्डा से होना चाहिए मैच। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। देखिए 18 में क्या दे रखा है, हमें एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी है और इधर की तरफ हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, और एक इस टाइप का स्लोप दे रखा है, ये इसे CB और इसे A बोला गया, ठीक है। पहले हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पोटेंशियल और हमारा फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या होता है, ठीक। तो हम एक इक्वेशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन लिखते हैं। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी को हम V लिख सकते हैं, पोटेंशियल को यहाँ पे मैं V लिख रहा हूँ, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करो, और एनर्जी को आप बोलोगे एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी को हम H μ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, H μ करो माइनस वर्क फंक्शन को आप H μ0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, पोटेंशियल और म्यू के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहाँ से बोलोगे पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा हमारा H/E μ और यहाँ से हो जाएगा H μ0, ठीक है। तो हमें चाहिए ग्राफ किसके बीच में, ये आपका वाई की तरह काम करेगा, यहाँ से MX+C अगर इसको कंपेयर करोगे तो देखो इंटरसेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव, ये कहीं ना कहीं हमारा नीचे की तरफ कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट हमारा निगेटिव तो जा ही रहा है, और स्लोप जो है यहाँ से हमारा जो स्लोप आया है वो आया है हमारा H/E, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर स्लोप देखोगे तो स्लोप पता है हम ऐसे करके देखते हैं, यहाँ पे थीटा बोलते हैं, तो टेन थीटा क्या कितना लिखते हो, स्लोप बराबर हम टेन थीटा भी लिखते हैं, और जो कि हमें एक दिख रहा है, तो यहाँ से बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AB/CB हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पूछा गया है कि बताइए कि H कितने के बराबर होगा, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा हमारा E into AB/CB। तो हमारा ये देखो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, EAB/CB, तो हमारा ऑप्शन 18 का हो जाएगा A, ओके। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर।
देखिए 19 में क्या दे रखा है हमें, एक थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है, व्हेन लाइट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 4 म्यू दे रखा है, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जानते हो आप काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा ई इंसिडेंट एनर्जी माइनस यहाँ पे होता है हमारा वर्क फंक्शन, ठीक है, इसको फाई या डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और इसको हम लिखते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, ओके। तो ये हमारा इंसिडेंट होता है, तो हमारा इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें दे रखा है 4 म्यू, तो एच इन इसके जगह पे लिखोगे आप 4 म्यू माइनस एच, और म्यू नोट जो थ्रीसोल्ड दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी जानते हो आप वर्क फंक्शन के साथ होता है, तो वो हमें दे रखा है म्यू दे रखा है, तो ये आपका कितना हो गया 4 एच म्यू और यहाँ से हो गया एच म्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 एच म्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, वेरी सिंपल, 19 का आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट है हमारा 20 में, देखिए क्या दे रखा है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी ई इजेक्टेड ए फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज फाइनोट, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस एट, देन द रेडियस क्या होगा, ठीक है, रेडियस हमारे क्या, और बाकी सारा चीज़ आपका यूजुअल नोटेशन में हम जानते हैं कि चलो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है, जिसको यहाँ पे फाइव नॉट से रिप्रेजेंट किया है। काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस फाइव नॉट, इंसिडेंट एनर्जी को ई के टर्म ही रखा है, तो यहाँ से बोलोगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2E माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर रहने दो, ये 2m नीचे आ जाएगा, और यहाँ से आप अगर स्क्वायर हटाओगे, अगर वी स्क्वायर से यहाँ से सिर्फ वी रखोगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हमारा वी बराबर मिल गया। चलो नेक्स्ट हम बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी होता है, चार्ज के जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया गया है तो ई वी बी लिखोगे, ठीक, और सर्कुलर लूप में चल रहा है तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स लिखोगे एम वी स्क्वायर बाय आर लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स, तो आप यहाँ से लिखोगे ई वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर करोगे, ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं रेडियस निकाल लेते हैं, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर को इधर करोगे तो इधर हो जाएगा, और एक वी से एक वी कट जाएगा तो एम वी डिवाइडेड बाय एम वी डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा ई बी हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट हम जानते हैं कि एम बाय ई बी आप रहने दो, और वेलोसिटी हम ऊपर से निकाल चुके हैं वो है हमारा 2e e माइनस फाइव, और यहाँ से हम जानते हैं ये ब्रैकेट में आएगा ना, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2e माइनस फाइव डिवाइडेड बाय, ठीक है, m, ये हम वेलोसिटी जानते हैं। एक काम करो m को इसके अंदर भेज दो, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, फिर m स्क्वायर को m से काटोगे तो ऊपर हमारा m रह जाएगा और नीचे हमारा रूट से बाहर e b रहेगा, तो आप यहाँ से r बराबर बोलोगे हमारा रहेगा अंडर रूट 2e माइनस फाइव, ठीक, यहाँ पे m को अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर रहेगा, तो ऊपर हमारा एक m रहेगा और नीचे में हमारा क्या रहेगा ई बी रहेगा, तो ये हमारा आर निकल के आया, तो आर मैच करिए किस से आ रहा है 2m e माइनस फाइव बाय ई बी, ई बी जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में रूट के अंदर है तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं डी चेक करिए, तो 2m e माइनस फाइव डिवाइडेड बाय ई बी, ई बी हमारा रूट के बाहर है, तो हमारा 20 का आंसर डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 21, देखिए 21 में क्या है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज क्या होगा, ठीक है, तो हमें एनर्जी दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये हमें एनर्जी हो गया, ठीक है, तो हमारा एनर्जी बराबर दे रखा है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, आप एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10^6, और ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखा है, इसे रहने दो, हमें चाहिए क्या मोमेंटम, हम जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है पी सी, तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा ई बाय सी, ई लिखो यहाँ पे 3 × 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो यूनिट का भी ध्यान रखो तो हम साथ में ही लेके यूनिट को भी चलेंगे, और सी तो सी होता है हमारा 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होता है,
ठीक है, इसे हम कट करेंगे तो देखो 3 3 से कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा 10^-2, तो या नहीं तो इसे लिखो 1/100 नीचे रहेगा और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, फिर आ जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक, मीटर इनवर्स। तो और इसको साथ में आप लिख सकते हो 0.01, तो ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर सेकेंड, ठीक है, फिर मीटर इनवर्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच किया, ऑप्शन हमारा ए। देखो ऑप्शन ए और सी का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट यूनिट डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे ना यूनिट को भी साथ में चेक करना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। देखिए 22 नंबर में क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास हमारा 4m है, जो कि हमारा क्या है, रेस्ट पे है, ओके, और इनका डीके हुआ है और ये m और 3m में, और बोला गया है कि इनका वेलोसिटी नॉन जीरो है, ठीक। तो इनका रेशियो बताइए वेवलेंथ का क्या होगा। तो देखो ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल क्या होगा, हमारा कॉन्स्टेंट होगा, तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। अगर मोमेंटम हमारा कंजर्व है तो यहाँ से m1 v1 और 3m v2 जो भी आएगा वो आपस में क्या आएगा, वो हमारा इनिशियल के बराबर होना चाहिए, तो दोनों का जो सम होगा वो जीरो कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा मोमेंटम अगर ये p1 है और ये मोमेंटम p2 है, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारा बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि जो लेमन जो हमारा वेवलेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है h/p, और h तो प्लैंक कांस्टेंट हमारा वो कांस्टेंट होता है, तो लेमडा हमारा प्रोपोर्शनल होगा p के। तो अगर हम रेशियो निकाले λ1/λ2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा p2/p1, और जानते हैं कि p1 और p2 हमारा क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारा जो रेशियो होगा वो हमारा 1:1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारा 22 का आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा 23। 23 में हमें क्या दे रखा है कि जिगर मार्चडेन एक्सपेरिमेंट जो है, स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जो कि आप अल्फा स्केटरिंग से आपने पढ़ा होगा, ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग बताइए मैक्सिमम और मिनिमम स्केटरिंग किस एंगल पे होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक ग्राफ के थ्रू इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, आपने देखा होगा इधर की तरफ हमारा एंगल होता है, ठीक, और इधर होता है हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कम होता जाएगा। इनिशियल में अगर ये एंगल हमारा 0 degree है, तो 0 degree पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम मैक्सिमम का जो बात करेंगे वो 0 degree होगा। मिनिमम कब होगा, यहाँ पे थीटा ना हमारा 180 degree हो जाता है, तो हमारा मिनिमम होता है जब हमारा एंगल 180 degree पे हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला 23 का ए आंसर। नेक्स्ट है हमारा 24। देखिए 24 में क्या दे रखा है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन ए पास्टन सीरीज ऑफ एक्सपेक्ट्रल लाइन। तो हम जानते हैं कि 1λ = r(1/n1²-1/n2² होता है, ठीक है। मिनिमम अगर वेवलेंथ का बात करोगे तो पास्टन सीरीज में n1 का वैल्यू 3 लोगे और n2 का वैल्यू आप 4, 5, 6 सो ऑन आप इन्फिनिटी तक ले सकते हो। अगर लेमडा को मिनिमम लेना है तो n2 का वैल्यू आपको इन्फिनिटी लेना होगा, ठीक है, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी लेना होगा। तो यहाँ से बोलोगे 1λ r(n2) और यहाँ से 1/3 का स्क्वायर करोगे, 3² - 1/∞² करोगे, तो ये वाला टर्म आपका क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1λ = r/9 हो जाएगा, ठीक। तो हमें लेमडा निकालना है, तो λ = 9/r हो जाएगा, यहाँ पे 9/ और r का वैल्यू आपको गिवेन है, वो है हमारा 1.097 × 10^7 है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से लिखोगे λ = इसको ऊपर लेके जाओगे तो 9 × 10^-7 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमें नैनोमीटर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे आप 1.1 पकड़ लो और इसे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दोगे। तो आप अगर 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देते हो तो, ठीक है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख देंगे तो हमारा 900/1.1 यहाँ पे नैनोमीटर तो हो जाएगा, ठीक है, λ = तो ऑप्शन देखो हमारा क्या होगा। ये देखो 900 से तो हमारा छोटा होना चाहिए,
तो 900 से छोटा, तो बाकी सारे ऑप्शन है। अगर आप इसका एग्जैक्ट करोगे तो ये आपका 818 नैनोमीटर आएगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा 24 का डी के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए 24 का। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर। देखिए 25 में बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए सही है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल होता है हमारा एम वी आर, साथ में इसका फॉर्मूला होता है एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ से हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के होता है। जो ऑप्शन में दे रखा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट बी पे जाइए, बी पे बोला है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम पी से डी रिप्रेजेंट करते हैं, वो एम इंटू वी होता है। और यहाँ से हम बोलते हैं एम इंटू वी जो होता है, वी जो होता है वो हमारा होता है प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी जेड बाय एन के। ठीक है, तो आप यहाँ से बोलोगे कि m इंटू वेलोसिटी की जगह पे z बाय n लिखोगे, तो आप मोमेंटम देखोगे तो प्रोपोर्शनल क्या है, z का वैल्यू 1 बोलोगे, मास कॉन्स्टेंट ही होता है, प्रोपोर्शनल है 1 बाय n के। तो हमारा ऑप्शन जो है लीनियर मोमेंटम बी सही बन जाता है। एक बार चलो सी भी चेक कर लेते हैं। सी जो होता है हमारा रेडियस, रेडियस जो होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस होता है हमारा एन स्क्वायर बाय जेड के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से बोलेंगे कि रेडियस तो प्रोपोर्शनल होता है हमारा, जेड का वैल्यू 1 पकड़ लोगे एन स्क्वायर के, तो यहाँ पे 1 बाय एन दे रखा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। बाकी हमारा एनर्जी, एनर्जी के लिए बोलोगे आप हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी स्क्वायर के, और वेलोसिटी जो होता है हमारा 1 बाय एन के प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी 1 बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारा 25 का जो ऑप्शन है यहाँ पे 1 बाय एन दे रखा है, तो डी भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, तो 25 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हमारा 26। देखिए 26 में क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल टू एन वन टू एन इक्वल टू एन टू, देन द टाइम पीरियड इन इनिशियल स्टेट इज 8 times डेट इन द फाइनल स्टेट, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन वन एंड एन टू आर क्या होगा। ठीक है, जो ट्रांजिशन हमारा एन वन से एन टू हुआ है और साथ में जो टाइम पीरियड बोला गया है टी वन जो है वो 8 times है हमारा किसके, इनिशियल टी टू के। ठीक, और हम जानते हैं कि देखो यहाँ से आप बोलोगे कि T1 ग्रेटर है हमारा किससे, T2 के, तो ऑब्वियस है कि हमारा N1 ग्रेटर देन होना चाहिए N2 से, तो हमारा N1 ग्रेटर देन होना चाहिए N2 से। अगर चार ऑप्शन चेक करो तो चारों सही है। ठीक है, यहाँ से अपना काम नहीं बन रहा है, हमें पूरा सॉल्व करना है। और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है N^3/Z इसके प्रोपोर्शनल होता है हमारा। ठीक है, टाइम जो होता है हमारा उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल होता है N^3 के। तो यहाँ से आप रेशियो बना लो इसको T1/T2, तो यहाँ से सीधा इक्वालिटी लगा देते हैं हम, N^3/N^2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से और साथ में आप बोलोगे T1 के जगह पे आप लिख दो 8T2, नीचे में यहाँ लिख दो T2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8/1। और यहाँ से अगर हमें N1/N2 का रेशियो लिखना है तो ये 2^ क्या हो जाएगा हमारा 8 है, 8 को 2^3 लिखोगे, यहाँ पे पावर इधर लिखा होगा तो 1/3 हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो आपका N1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2, N1 इक्वल टू 2N2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो अगर आप N2 का वैल्यू 2 पकड़ोगे तो आपका N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब क्या हो, कहने का मतलब क्या हो गया, N1 का N2 डबल है। तो देख लो ये 2 है तो ये 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8 हो गया, 4 times हो गया गलत, ये 8 times हो गया, ये 3 times हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा 26 का, हमारा राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर। देखिए 27 में क्या दे रखा है कि हमारा ए पॉइंट सोर्स इज इमिटिंग साउंड इन ऑल डायरेक्शन, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 points फ्रॉम द पॉइंट सोर्स वेयर द डिफरेंस इन लाउडनेस लेवल इज दे रखा है। तो डिफरेंस इन लाउडनेस दे रखा है, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है हमारा 10 log 10 base। तो मान लेते हैं एक का इंटेंसिटी I1 है, एक का I2 है, ये हमारा बन जाएगा। ये कहाँ से आया, आप इसको लिख सकते हो, जो हमारा होता है बीटा इक्वल टू 10 log 10 base I1/I0। एक और इक्वेशन लिखो आप बीटा, इसको बीटा 1 बोल दो, इसको बीटा 2 बोल दो, 10 log 10 base I2/I0 लिखो, फिर आप यहाँ पे β1 - β2 करो तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लाउडनेस का जो डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है वो हमारा मिल गया 3 = 10 log 10 base I1 by
I2 बोल रखा है, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हमारा 0.3 हो जाएगा। तो और 0.3 को लिख सकते हैं हम log 10 बेस 2 इक्वल टू log 10 I1 बाय I2। ओके, तो यहाँ से हमें I1 बाय I2 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा इंटेंसिटी क्या होता है, किसी भी पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, पावर बाय एरिया। ठीक है, तो एरिया अगर कोई पॉइंट सोर्स से कितना आर डिस्टेंस पे है वो हमारा देखा जाता है, तो एरिया क्या लिखते हो, 1/r² लिखते हो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा R1, ऊपर हो जाएगा R2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा R2/R1 निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पे √2 नहीं दे रखा है, इसका मतलब इन्होंने R1/R2 ले रखा है, तो यहाँ से 1/√2। ठीक है, ऑप्शन कोई एक ही हो सकता है, अगर ऐसे सवाल में नहीं बोल रखा है रेशियो, या तो √2 होता है या नहीं तो 1/√2 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा मैच करेगा, बी नंबर, 27 का बी। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर। देखिए 28 में क्या दे रखा है, 28 में हाउ मच मास हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 500 मेगावाट फॉर 1 आवर। ठीक है, तो पावर हमें दे रखा है 500 मेगावाट। आप इसे 500 इंटू 10 के पावर 6 वाट बोल सकते हैं, और जो टाइम दे रखा है वो 1 आवर दे रखा है, तो आप इसे 3600 सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो होता है एनर्जी बाय टाइम, तो हम पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एनर्जी बराबर हो जाएगा हमारा पावर इंटू टाइम। ठीक, तो यहाँ से एनर्जी इक्वल टू पावर हो गया हमारा 500 इंटू 10 के पावर 6 और टाइम हो गया 3600। ये हमारा एनर्जी हो गया। एक बार हम एनर्जी को कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से बोलोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 2 4 0 हो गया 4, और एक मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, तो ये 5, तो 11 आ जाएगा, ये 10 के पावर 11 आ जाएगा। ठीक है, इतना एनर्जी हो गया हमारा, और हम जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा MC². ठीक, तो हमें मास निकालना है कि कितना मास कन्वर्ट हुआ है, तो मास बराबर तुम बोलोगे एनर्जी बाय C². तो एनर्जी 18 इंटू 10 के पावर 11 डिवाइडेड बाय C होता है हमारा 3 इंटू 10 के पावर 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखोगे 18 इंटू 10 के पावर 11 डिवाइडेड बाय यहाँ से 9 इंटू 10 के पावर 16 तो ऑप्शन देखते हैं कैसे करना है, 27 रखना है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला है हमारा, तो इसको 2 करो, इसको 2 करो, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 16 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा kg। हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन पहले से मैच कर रहा है। ओके, तो 28 का आंसर ये हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर। 29 में क्या दे रखा है, इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मास डिफेक्ट इज 0.3%, देन एनर्जी रिलीज्ड इन ए फ्यूजन ऑफ 1 kg मास के लिए कितना एनर्जी रिलीज्ड होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा एम इंटू C² लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से बोलोगे E = अब पहले हम एक बार डेल्टा एम निकाल ले, तो डेल्टा एम जो है हमारा वो है 0.3% 1 kg का, 0.3% ऑफ 1 kg का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.3% का मतलब 1/100 और मल्टीप्लाई 1 कर दो तो यही रहेगा। ठीक है, इतना हमारा मास हो जाएगा, तो मास के जगह पे आप लिखोगे 0.3 इंटू 100, डेल्टा एम के जगह पे इंटू सी, सी हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 के पावर 8 इसका स्क्वायर करना है। चलो ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 10 के पावर 16, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू यहाँ पे 10 के पावर 16 है, ये 3 है तो 10 के पावर 13 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, 29 का डी से, इतना एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ये हमारा जूल में आएगा यूनिट। ठीक है, हमारा आंसर डी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, इन एन टाइप सिलिकन। ठीक है, तो मतलब एन टाइप सिलिकन, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया आपका, सेमीकंडक्टर से सवाल लिया गया है, तो बाकी कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। एन टाइप्स में जानते हैं सिलिकन में, सिलिकन का जो वैलेंसी होता है, सिलिकन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 4 होता है, सिलिकन का वैलेंसी 4 होता है। अब सिलिकन जो आगे से बना हुआ रहता है, ठीक है, तो सिलिकन के पास 4 प्रेजेंट रहते हैं, तो ये 4 अब मिला हुआ रहता है अपने नेबरिंग से, इस टाइप से ये कनेक्ट रहते हैं।
ठीक है, सब एक दूसरे से। लेकिन जब इस पे हम डोप करते हैं तो वो हम कैसा सिलिकन के साथ डोप करते हैं, उसके साथ हम पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, फास्फोरस ग्रुप का लेके आते हैं, फास्फोरस को लेके आते हैं। फास्फोरस के पास वैकेंसी कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप फास्फोरस लाओगे सिलिकन के साथ तो इसके पास तो 5 रहते हैं, तो 4 तो अगल बगल के सिलिकन से ये कनेक्ट हो जाएगा, एक जो हमारा बच जाएगा, वो जो एक रहेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन हमारा ज़्यादा रहता है, होल जो रहता है हमारा कैसा होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन बोलोगे, इलेक्ट्रॉन जो बोलोगे वो मेजॉरिटी में रहता है, मेजोरिटी में रहता है, और आपका होल्स जो होता है वो माइनॉरिटी में रहता है, माइनॉरिटीज में रहता है। और साथ में सिलिकन के साथ कैसा रहता है हमारा, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला में दे रखा है इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट, ठीक है, गलत। ट्राइवैलेंट पहले हमें हटाते हैं, ये नहीं होगा, पेंटावैलेंट है, ये पेंटावैलेंट है, नीचे वाला ट्राइवैलेंट है। तो हमारा पहला और लास्ट वाला तो कैंसिल हो गया, बी और सी में होगा, ठीक है। बी में क्या दे रखा है हमारा, पेंटावैलेंट तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर, गलत। हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर होना चाहिए, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। तो हमारा ऑप्शन 30 का किससे मैच कर रहा है, 30 का हमारा सी से मैच कर रहा है, सेमीकंडक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32 में क्या दे रखा है कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट दे रखा है, तो हमसे इक्विवेलेंट सर्किट पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए हमारा नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ से जब ये यहाँ पे आएगा तो ए डैस हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, यहाँ से बोलोगे बी बार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जाएगा तो हमारा क्या होता है, एंड गेट है ये, एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करने का काम करता है, तो ए डैश डॉट बी डैश तो हो जाएगा, साथ में एक यहाँ पे नॉट जो लगा हुआ है, पहले हमने एंड किया फिर नॉट भी करना होगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अगर ओपन करोगे सिंप्लीफाई तो ए डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट का ये प्लस हो जाता है और ये बी डबल डैश हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है ए प्लस बी हो जाता है। और ए प्लस बी हमारा कैसा गेट होता है, ये हमारा किसका इक्वेशन लिखा रहता है, अगर दो चीज़ को ऐड करते हैं ए प्लस बी आता है तो और गेट होता है, तो ये हो जाता है हमारा, ये जो रूल अप्लाई किया गया ना इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो हमारा 32 का आंसर हो जाएगा और गेट, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा 33 में देखिए, ये भी सेमीकंडक्टर से लिया गया है, ठीक है। तो दो इनपुट दे रखा है, वाई आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ऐसे ग्राफ के लिए बताना कि कौन सा लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए ना एक टेबल बना लेते हैं, दो इनपुट है हमारा, ए है और बी है, और आउटपुट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ना हम सेट लिख लेते हैं, ये जैसे 00 01 10 11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे आप एक बार ए को, ए और बी का ऐसा कॉम्बिनेशन लो जहाँ पे दोनों क्या हो, 0 0 मतलब लो, ठीक है, 1 मतलब है। तो हमारा ए हमारा 0 हो, ए यहाँ पे तो 1 है, ये वाला नहीं पकड़ रहे हैं, यहाँ ए 0 है और यहाँ पर बी क्या है, इस लाइन में देखो T1 से लेकर T2 के बीच में, तो हमारा ए भी 0 है और ये हमारा बी भी 0 है, तो हमारा वाई कैसा है, 1 है, ए 0 बी 0 वाई 1, तो वाई हमारा 1 है। सिमिलरली अगला चेक करो, जहाँ पे ए 0 हो और बी 1 हो, ए हमारा 0 हो और बी हमारा 1 हो, ए 0 हो बी 1 हो, ये वाला T2 से लेकर T3 हो, 0 1, तो हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है। फिर 1 0, ए हमारा 1 हो बी 0 हो, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर जब दोनों 1 1 हो, तो जब दोनों 1 1 कहाँ पे, पहले वाले में अगर दोनों हमारा 0 से T1 के बीच में, अगर ये भी 1 है ये भी 1 है, तो हमारा अगला क्या आएगा, y भी 0 आ रहा है। आप मैच करोगे ना कहीं पर भी आपको यही मिलने वाला है। तो अगर जैसे कि देख लो, यहाँ पे हमारा a 0 लिखा है, b 0 दे रखा है ना, a 0 b 0, तो हमारा y जो हुआ है, y हमारा क्या हुआ है, अगर हम इस बीच में कर्व देख रहे हैं, a 0 b 0 सॉरी हम 1 1 चेक कर रहे हैं ना, तो अगर हमारा a 0 a 1 b 1, तो देख लो यहाँ पे y क्या है, 0 है, हर एक जगह मैच करेगा सिमिलर वे में, ठीक है। आप बताओ ये किसके लिए लिखा गया है, ये सर्किट, ये हमारा किसका ट्रूथ टेबल लिखा गया है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये ट्रूथ टेबल हमारा जब हम लिखते हैं और गेट, और में जब हम लिखते हैं एंड में, एंड में क्या करते हैं, 0 0 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका आप एंड गेट के लिए आउटपुट लिखोगे, एंड के लिए आउटपुट वाई लिखोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसे भी 0 0, ये 1 आएगा। इस एंड का क्या किया गया है, अगर आप निगेशन कर दो तो ये 0 का 1 हो जाएगा,
जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, और वन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा कौन सा से मैच कर रहा है, नेंड गेट से। एंड का निगेशन हमारा क्या देता है, नेंड, नेंड गेट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट देखिए 34 क्या है। 34 में क्या है कि दो हमारा और गेट दे रखा है और इधर की तरफ हमारा एंड गेट है, तो हमसे पूछा गया कि इस लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसका आउटपुट देखना है, तो इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ से ये ए है, ये हमारा बी है, और गेट क्या करता है, ऐड कर देता है। तो अब यहाँ से बोलोगे, तो यहाँ से बोलोगे ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा ए प्लस सी। बहुत सिंपल सवाल है, तो हमारा 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर। 35 में बोला गया है कि फॉर ए सर्टेन ऑर्गन पाइप, बताया नहीं गया है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या ओपन ऑर्गन पाइप है। तो हम पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेकर देख रहे हैं। ठीक है, थ्री सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर ऑब्जर्व, जो थ्री सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अब बोलो कि वो है हमारा 425.595.765 हर्ज। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड टू बी, जो स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है वो 340 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस पाइप का। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला होता है 2N-1V/4L होता है। ओके, और आप जानते हो कि N स्टार्ट जो हमें करना है तो वो हमें 1 से करना है, 1, 2, 3 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो और हम फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी जानते हैं, तो हम यहाँ पे N का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V/4L हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, वो V/4L। एक बार क्या करते हैं ना, इनका डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस करोगे आप तो 170 और 170 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी इसका डिफरेंस करें, अगर हम Fn+1 - Fn करें, मतलब डेल्टा F करें, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या होगा। अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे ना, तो ये हमारा FL इतना आया फंडामेंटल के लिए। अगर हम इसका फर्स्ट ओवरटोन देखें, फर्स्ट ओवरटोन के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें जो हमारा ओवरटोन होता है ओड नंबर में आता है 135। ठीक, तो वो आ जाएगा, देखो यहाँ पे रखोगे ना आप, वन यहाँ पे टू रखोगे, ठीक है, 2, 4, -1, 3 आ जाएगा, 3V/4L आ जाएगा। फिर अगला देखोगे फर्स्ट ओवरटोन, यानी जिसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं, अगर सेकेंड ओवरटोन के लिए देखोगे, ओवरटोन के लिए देखोगे तो ये आ जाएगा 5V/4L। अगर किसी दो का अगर आप डिफरेंस देखो, यहाँ से 3V/4L इसको V/4L का डिफरेंस लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2V/4L हो जाएगा। ठीक है, 2V/4L। और हम बात करें V/4L, तो ये तो हमारा फंडामेंटल होता है, इसको 2 × फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, फंडामेंटल बोलोगे, फंडामेंटल ओवरटोन वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ से अगर हमें फंडामेंटल निकालना है तो दो का डिफरेंस निकालो। ये दो किसका मैंने निकाला है, किसी भी कंजुगेटिव का निकाला है, तो यहाँ पे भी कंजुगेटिव का डिफरेंस कितना है, 170 है। तो यहाँ पे आप रखोगे इसका डिफरेंस 170 = 2 × फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल कितना हो जाएगा, 170/2 करोगे तो ये हमारा 85 हर्ट्ज आ जाएगा। तो देखो 85 हर्ट्ज हो गया। अब इसको देख के टिक नहीं कर देना, आगे हमें सेटिस्फाई करना है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 85 हर्ट्ज आ गया तो अगला वाला हमारा क्या होगा, इसको फंडामेंटल बोल देते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन के लिए इसको फर्स्ट बोल देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये ओड इंटरवल में होता है ना, 3 × 85 करो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 15, 5, 24, 25, 20 ये 275 हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने से हमारा 15 और ये 25, 26, 27, 275 हो जाएगा। अगला इसके लिए हम सेकेंड ओवरटोन का बात करें तो यहाँ से 3, यहाँ पे अगला क्या होना, 5 टाइम्स करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम बोलेंगे 5 × 85 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 25, 25, 8, 5, 40, 2, 42, 4, 25 मैच कर गया। अगला देखो फ्रीक्वेंसी, थर्ड ओवरटोन करो तो यहाँ 7 × 85 करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपका 595 आ जाएगा। अगला अब इसका फोर्थ ओवरटोन के लिए देखो, फोर्थ ओवरटोन के लिए देखो तो यहाँ से 9 × 85 करोगे तो ये आपका 765 मैच कर जाएगा। तो हमारा 85 फंडामेंटल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रहने के लिए ये हमारा सेटिस्फाई कर जाता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी इसका आंसर होना चाहिए। ओके, अब देखो इसको मैं एक बार और सेटिस्फाई करता हूँ।
ओपन ऑर्गन पाइप में आप वहाँ पे जानते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है F1:2, F2:2, F3 वो ना हमारा 1:2, 2:3 इस टाइप का हमारा मेंटेन करता है। अगर इस टाइप का वैल्यू आप देखो तो मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, अगले का डबल होना चाहिए, फिर उसके डबल होना चाहिए, ऐसा कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए करेगा। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए आप अगर ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो अपना एक ही लाइन में तो आंसर आ गया है, ठीक है, 85 हर्ज, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, ठीक है, तो हमारा SHM का सवाल है ये, और बोला गया टू पार्टिकल अंडरगोज SHM along a parallel lines with the same time period, T दे रखा और इक्वल एम्पलीट्यूड दे रखा है, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट वन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन एंड अदर इज एट इट्स मीन पोजिशन, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर ए फर्दर तक टाइम, किस टाइम पे हमें मिलेगा। तो देखो इसमें है ना, हम सर्कुलर फेजर से करें तो हम अपना आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। देखो ये वाला हमारा क्या होता है, मीन पोजीशन के होता है, ये वाला क्या होता है हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, और ये वाला हमारा क्या होता है नेगेटिव एक्सट्रीम होता है। तो जो पहला पार्टिकल है यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ए जो है हमारा वो कहाँ पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, और किधर चल रहा है, मीन पोजीशन पे। आप इसको ए ऐसे बनाओ और ये हमारा चल किधर रहा है, चल किधर रहा है हमारा मीन पोजीशन की तरफ, इसे डायरेक्शन में बनाओ। फिर अगला जो हमारा यहाँ पे है और ए एक्सट्रीम पे है, ठीक है, ओके, और जो अगला हमारा कंडीशन है उसमें हमारा क्या है कि मीन पोजीशन से किधर की तरफ चल रहा है ये पार्टिकल, मीन पोजीशन से हमारा ओडेस मतलब मीन पोजीशन से चल रहा है हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम है ना, ठीक है, ये वाला मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, तो ये हमारा इधर की तरफ चल रहा है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है, ये हमारा इधर चल रहा है। इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ कि चलो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, इनको मिला दो, ठीक है, ये जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा, पाई बाय टू होगा, ठीक है। अब ये हमारा कहाँ पे एक दूसरे से मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, तो ये देखो सर्कुलर फेजर में ये कैसे मिलेगा, अभी ये ऐसे है, ठीक है, अभी ये ऐसे है, ये पहला वाला कंडीशन जिसको मैंने x बोला है, ये वाला जिसको हमने y बोला है, ठीक है, इसको मैंने y बोला है, तो ये देखो ये पेन कुछ ऐसे है, ठीक है, कब ये मिलेगा, तो वो कब मिलेगा जब हमारा इस लीनियर फेजर पे उसका शेडो दिखाई देगा एक साथ, ये देखो थोड़ा सा इसको नीचे किया, थोड़ा नीचे किया, अभी नहीं, अभी ये ना, अभी अगर पूछा जाता मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये होता, अभी और आगे जाएगा, जब ये इस स्टेप से हमारा वर्टिकल रहेगा, जब ये हमारा कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, इस जगह पे इसका शेडो दिखाई देगा, दोनों एक ही जगह पे दिखाई देगा, सही बात है, तभी हमारा क्या होगा, दोनों मिलेगा। तो अब इस चीज़ को, अब ये एक्स है, ये हमारा वाई है, तो वाई थोड़ा ऊपर रहेगा और हमारा एक्स कहाँ रहेगा, ये रहेगा, इसको मैं एक्स डैश बोल देता हूँ, इसको मैं वाई डैश बोल देता हूँ, तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, तो देखो किसी एक के लिए पकड़ लो, ये एक्स है, टोटल जितना एक्स चलेगा उतना ही वाई चलेगा, ये पेन है, जितना आगे वाला चल रहा है उतना ही क्या चलेगा, पीछे वाला चलेगा, अगर इसको मैं ऐसे मूव करवाऊँ, ठीक, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिया, तो हमें देखना है, अब अगर आप बोलोगे कि ये पार्ट, ये पोजिशन हमारा ए का था, अब ये x का था, ये हमारा यहाँ गया, तो इनको मिला दो, ये टोटल एंगल देख लो, ठीक है, ये टोटल एंगल देख लो, चाहे नहीं तो ये y यहाँ से लो और ये y यहाँ से लो, यहाँ का एंगल देख लो, तो यहाँ से ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये पार्टिकल है, ये और ये एक दूसरे को बराबर पे ही काट रहा होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में भी क्या होना चाहिए, शुरुआत से ही इसका एंगल कितना है, पाई बाय टू मेंटेन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी पाई बाय टू होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, पाई बाय फोर होना चाहिए, और ये वाला भी पाई बाय फोर होना चाहिए, ये पाई बाय फोर है, तो ये भी हमारा पाई बाय फोर है, तो टोटल एंगल थीटा क्या चला, ये वाला चला, तो हमारा थीटा कितना चला, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर चला, ठीक है, इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा फोर लोगे तो टू, ये थ्री पाई बाय फोर चला, ठीक, और तुम थीटा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टी इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर लिखोगे, ओमेगा को लिखते हो टू पाई बाय टी इंटू टी इक्वल टू यहाँ से लिखोगे थ्री पाई बाय फोर, और यहाँ से आप पाई को पाई से कट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से टी निकालना है, तो यहाँ से थ्री टी बाय एट हो जाएगा, टोटल टाइम क्या है, टी के टर्म में दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थ्री टी बाय एट, तो ऑप्शन बी से हमारा मैच कर रहा है, ओके। देखो नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, 37 में क्या दे रखा है, ए बॉडी एट द एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग SHM विथ ए पीरियड T1 व्हाइल द कोरस्पोंडिंग पीरियड फॉर द अनदर स्प्रिंग इज T2, ठीक है, दो का टाइम पीरियड, एक का T1 है, एक का T2 है, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टू स्प्रिंग इन ए सीरीज, दोनों स्प्रिंग को अगर सीरीज में रखा गया, दो स्प्रिंग अगर हमारा
K1 और K2 है अगर हमारा सीरीज में है, ठीक है। अगर हमारा सीरीज में होता है तो हमारा K इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/K1 + 1/K2 होता है। और K1 के रिगार्डिंग हमारा टाइम पीरियड T1 है और इसके रिगार्डिंग हमारा टाइम पीरियड T2 है, ठीक है। हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 2π√M/K, ठीक। तो जो टाइम पीरियड होता है, मास कांस्टेंट है, तो बोलोगे 1/√K, बोलोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो T² प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/K के, ठीक। अगर हमें K पता है तो हम T के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/K इक्विवेलेंट है तो आप इसे क्या लिखोगे, T इक्विवेलेंट का स्क्वायर लिखोगे। 1/K1 इसको 1 समझो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, T1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, T2 का स्क्वायर। देखो ये आपका कौन सा ऑप्शन से मैच किया, आपका ऑप्शन B से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 का B। नेक्स्ट है हमारा 38 में प्रोग्रेसिव वेव अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो हमें वेव इक्वेशन y = लिखा है a sin, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2π λ, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2π v λ इंटू टी, ठीक, माइनस 2π λ इंटू x, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन दे रखा है। द वेवलेंथ लेमडा एट विच मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 3 times द वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो वी पार्टिकल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 times है, जो वेलोसिटी है वो किसके, वेव वेलोसिटी के बराबर है, ओके। तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी, जो पार्टिकल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पार्टिकल SHM करता है ना, तो वहाँ से लिख लेते हैं a ओमेगा होता है, ठीक। तो हम यहाँ से बोलेंगे a ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारा टाइम के साथ होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2π v/λ, ठीक है। v = a ओमेगा = 3 × वेलोसिटी ऑफ वेव कितना दे रखा है, हमारा v दे रखा है, ठीक। तो ये v से ये v कट जाएगा, हमें लेमडा चाहिए, तो लेमडा इक्वल टू 2π a/3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो मैच करना चाहिए 2π a/3 से, तो ऑप्शन d मैच कर रहा है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 39। देखो 39 में हमें 2 वेव का इक्वेशन दे रखा है, पहला वेव है, ठीक है, ये दूसरा वेव है, ये हमारा क्या है, कॉस में है, ये हमारा साइन में, तो इसको कॉस को साइन में करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो हम दूसरा इक्वेशन जो y2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a sin ωt + kx + π/2 हो जाएगा। और पहला देखो हमें ये दे रखा है, अब दोनों का फेज डिफरेंस अगर करोगे तो दोनों में ωt + kx है, तो बाकी हमारा डेल्टा फेज जो बड़ा वैल्यू है वो कौन सा है, π/2 - 0.57 है, तो π/2 को हम 3.14/2 लिख सकते हैं, -0.57, तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.57 - 0.57 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा, और किस में है, ये रेडियन में है, तो हमारा आंसर जो होगा 39 का D हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर। देखिए 40 में ए स्टील वायर हैज ए लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर, लेंथ हमें 90 सेंटीमीटर दे रखा है, 90 सेंटीमीटर इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स, जो हमें फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट टेंशन ऑफ 100 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन द वायर विल बी क्या होगा, एंड द मास ऑफ द स्टील वायर, मास जो लेना है 6×10⁻³ kg लेना है, तो इसको ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में 0.9 लिख लो, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसा यूनिट में हो गया, और हमसे वेलोसिटी पूछा गया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ होता है, ठीक है। तो टेंशन का फोर्स लग रहा है वो हमारा कितना है 100, म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से मास रखोगे 6×10⁻³ और लेंथ को ऊपर लिख लो तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। आगे इसी का कैलकुलेशन करना है और अपना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 100 × ये डेसिमल हटाओगे तो 9, यहाँ पे 60 आ जाएगा, और 10³ को ऊपर भेज दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो बाहर दे दो तो यहाँ से आ जाएगा अब हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90, ये आ जाएगा हमारा 90, एक काम करो 90 भी नहीं, एक जीरो और बाहर कर दो, तो यहाँ से आप ये 10⁴ हो जाएगा, तो 9/6×10⁴ हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हम √3/2 और बाहर हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और आप बोल सकते हो 100√3 जो होता है 1.5 होता है, तो यहाँ से 100 और 1.5 का अगर रूट निकालोगे तो वो हमारा अप्रोक्स जो रूट निकालने पे ये हमारा
1.2 के आसपास देगा, 1.2 देगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, और एक सेकेंड, हाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1. हमारा कौन सा आंसर मैच करेगा, ये 1.22 के आसपास देगा, तो ये हमारा 122 आएगा। तो हमारा 122 किससे मैच कर रहा है, और ये देखिए सब कुछ ऐसा यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड में है। पहला ऑप्शन 50 मीटर पर सेकेंड है, बहुत कम है, ये हमारा गलत। दूसरा बी जो है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, गलत। तीसरा जो ऑप्शन है ये है हमारा 1/3√6, ये तो एक से काफ़ी छोटा आएगा, ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। देखो और डी भी है, डी जो है हमारा 50√6 करोगे, रूट सिक्स करोगे तो 50 और ये रूट सिक्स हमारा ये जो आएगा 2 point something आएगा, तो ये हमारा मैच हो जाएगा, इसी का चांस है। इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आपका 122 ये के आसपास आएगा, तो ये वैल्यू लगभग बराबर होगा, तो हमारा 40 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है हमारा 41। देखिए 41 में क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट द सेम टेम्परेचर इन टू मोनो एटोमिक गैस ऑफ ए डेंसिटी रो वन एंड रो टू आर वी वन एंड वी टू रिस्पेक्टिवली, इफ रो वन बाय रो टू हमें दे रखा है जो कि 4 है, देन द वैल्यू ऑफ वी वन बाय वी टू हमारा क्या है। ओके, हम जानते हैं जो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा गामा पी बाय रो होता है, ठीक है। साथ में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा पी बाय रो को आप रिप्लेस कर सकते हैं आरटी बाय एम नॉट मोलिकुलर मास से। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, गामा आर और एम नॉट भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप बोलोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे तो रो नहीं आ रहा है, तो रो हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो वेलोसिटी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/ρ का। तो हम यहाँ से v1/v2 बोल सकते हैं जो कि होगा हमारा ρ2/ρ1 का। तो और हमें यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है ρ1/ρ2 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 का 1/2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा 42 है। इसमें क्या दे रखा है कि बोथ द स्ट्रिंग एज शोन इन ए फिगर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम क्रॉस सेक्शन, द पुल्ली आर लाइट, द वेव स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग ए एंड बी में जो हमारा वेलोसिटी दे रखा है वो हमारा दे रखा है v1, इसमें जो वेलोसिटी दे रखा है वो हमारा v1 दे रखा है, और जो हमारा cd में है उसमें वेलोसिटी हमारा क्या दे रखा है, v2 दे रखा है। तो हमें पूछा गया है कि बताइए v1/v2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें हम बात करें तो इसमें टेंशन कितना होगा नीचे वाले पुली में, अगर मैं बोलूं कि इस ये v2 है ना, इसके रिगार्डिंग t2 टेंशन ले लेता हूं, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा हमारा, t1 और t1 होगा। अगर हमें रिलेशन देखना है इन दोनों में, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जो t2 होगा वो ट्वाइस ऑफ t1 होगा, ठीक है। t2 इन दोनों से ज़्यादा होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ t1, अगर इस हाथ में t है तो इसमें t/2 होना चाहिए, ठीक। तो t2 इक्वल टू हमारा ट्वाइस t1 हो गया, ठीक। और वेलोसिटी का जो फार्मूला जानते हैं वो होता है √T/μ, बाकी बोला गया है मास और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हमारा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, √T के, ठीक है। तो आप बोलोगे v1/v2 का जो होगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा √T1/T2, यहाँ पे आप लिख सकते हो T1 T2, हमें पता है T1 को रहने दो, T2 के जगह पे ट्वाइस T1 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा T1 कट जाएगा, 1/2 होगा, इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं। तो हमारा v1/v2 का रेशियो पूछा गया है, तो वो क्या होगा हमारा 1/√2 होगा। तो 42 का हमारा आंसर किससे मैच कर गया, डी से मैच कर रहा है। ओके, देखिए 43 नंबर क्या है, 43 में ए फोटो इलेक्ट्रिक थ्रीसोल्ड वेवलेंथ लेमडा नोट दे रखा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए मेटल बाय इंसिडेंट वेवलेंथ लेमडा विल भी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और एनर्जी को हम hc/λ लिख लेते हैं, इसको hc/λ और इसको हम hc/λ0, ठीक है। वर्क फंक्शन के लिए थ्रीसोल्ड लेमडा नोट दे रखा है, यहाँ से आप hc कॉमन ले लो तो 1/λ − 1/λ0 हो जाएगा, तो यहाँ से hc इसका एलसीएम लो तो λ, λ0, यहाँ का आ जाएगा λ0 − λ होना चाहिए, तो हमारा जो एनर्जी आएगा वो hc λ0 − λ/λ0, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 44 में क्या है दे रखा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी इज लेमडा,
ठीक है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी जो हमें वो के बाय फोर दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है हमारा एच बाय पी, और पी हमारा यहाँ मोमेंटम होता है, एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, और साथ में हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से हम मोमेंटम बराबर बोल सकते हैं √2 2ke काइनेटिक एनर्जी इंटू एम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लैम्डा बराबर एच डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हम मोमेंटम के जगह पे वैल्यू लिख सकते हैं √2, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में मैं के लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एम लिख रहा हूँ, ये वैल्यू होगा। चूंकि एच तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि, और बाकी मास भी कांस्टेंट होता है, टू भी कांस्टेंट, जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल है किसके, √k के, ठीक। अब आगे क्या हुआ है कि जब हमारा काइनेटिक एनर्जी के बाय फोर हो गया, ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा डैश क्या होगा, तो लैम्डा डैश प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/, इसको क्या बोल दोगे, के को अब के बाय फोर कर दोगे, फोर करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हमारा टू चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ फोर है तो ऊपर यहाँ पे √2 हो जाएगा, और हम जानते हैं √2 पहले लैम्डा था तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 2λ के, ठीक। तो हमारा जो नया वाला जो लैम्डा डैश हो जाएगा तो वो हमारा किसके बराबर आएगा, 2λ के। तो हमारा 2λ 44 का आंसर किससे मैच कर रहा है, बी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 45, ठीक है। 45 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है और हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी म्यू दे रखा है और फिर डिफरेंट मेटालिक सरफेस ए एंड बी, देन द वर्क फंक्शन हमें बताना है, ए का कंपेयर करना है बी के साथ क्या होगा वर्क फंक्शन। तो चले पहले हम स्लोप देख लेते हैं, ठीक है। तो हम स्लोप देखते हैं कि स्लोप हमें क्या देता है, वर्क फंक्शन हमें कंपेयर करना है। तो तुम बोलोगे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ई माइनस वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी को आप ई वी नोट लिख सकते हो, इक्वल टू एनर्जी को एच एफ लिख सकते हो, एच म्यू दे रखा है, चलिए म्यू के टर्म में लिखते हैं हम, एच म्यू लिखो माइनस, अब वेव फंक्शन को चलो वर्क फंक्शन, द वर्क फंक्शन ऑफ ए एंड बी कंपेयर टू, वर्क फंक्शन को हम यहाँ पे फाई रहने दो, ठीक है, वर्क फंक्शन हमारा यही है। तो अब यहाँ से तुम क्या बोलोगे, इसको इधर भेज दो, तो एच म्यू बाय ई माइनस वर्क फंक्शन इंटू ई लिखोगे, ठीक है। अगर इसका ग्राफ कंपेयर करो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप जो है स्लोप हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे, एच बाय ई स्लोप दे रहा है, और इंटरसेप्ट क्या दे रहा है, माइनस फाइव बाय ई दे रहा है, ठीक है, जो हमारा इंटरसेप्ट है। तो अगर इन दोनों ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए, इस दोनों ग्राफ को पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का कुछ ऐसा और ऐसा ग्राफ दे रखा है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये डॉट डॉट अगर मिलाओगे तो ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। तो वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन हमारा 5 बाय ई है, ये हमारा किसका है, ये हमारा बी का है, ठीक है, ये हमारा बी है और ये वाला इतना दूर हमारा क्या है, ए का है। तो अगर हमें बोला गया है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए कंपेयर टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में जो इसका इंटरसेप्ट है वो तो कम है, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा, ए जो है हमारा लेस बी हो जाएगा। तो हमारा 45 का आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर, देखिए 46 में क्या दे रखा है कि एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, देन द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ दे रखा है। तो हम मोमेंटम, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा एच बाय पी, तो बोलोगे कि मोमेंटम बराबर क्या होता है हमारा, एच बाय लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, और एच के टर्म में ही ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा। वेवलेंथ हमें क्या दे रखा है, 0.01 एमस्ट्रोंग है, तो इसका वैल्यू 10^-10 लिखोगे, ठीक। ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ से पी इक्वल टू एच बाय, ये यहाँ पे क्या चला जाएगा, ऊपर 100 चला जाएगा, और ये इसको भी ऊपर लेके जाओगे तो 10^ ये 10 रहेगा, तो यहाँ से पी इक्वल टू 10^12 इंटू एच हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा 46 का डी के साथ। नेक्स्ट है हमारा 47, देखिए 47 में क्या बोला गया है कि लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ और हमारा मोमेंटम, मोमेंटम के बीच में क्या हुआ, सिंपल सा तो फार्मूला होता है कि हमारा लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी होता है, ठीक है, और एच तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है 1/p का। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस में मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी में कर रहा है, तो हमारा 47 का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 में, 48 में बोला गया है द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिटल रेडियस एंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी फॉर ए
डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम। अगर स्टेबल ऑर्बिट का बात कर रहा है तो हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एफ जो हमारा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होना चाहिए वो हमारा बैलेंस करना चाहिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, बस इतना कर दो। तो यहाँ से बोलोगे एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज के जगह पे इलेक्ट्रॉन रखना है, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ से एक रेडियस कटेगा तो यहाँ पे एक आर रहेगा, और कुछ तो कटेगा नहीं, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वी बराबर, तो यहाँ से लिखोगे ये एम नीचे चला जाएगा, ई स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एम आर, और ये सारे को रूट के अंदर डाल दो। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर से। तो हमारा 48 का ऑप्शन मैच कर रहा है सी नंबर से, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर। देखिए 49 में क्या बोला गया है, इन ए हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज rn, ठीक है, द ग्राफ बिटवीन rn और r1। आप जानते हो कि rn बाय r1 का जो रेशियो, वो जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है n स्क्वायर के, ठीक है, n स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो अगर आप लॉग ले लोगे दोनों तरफ तो यहाँ से हो जाएगा आपका rn डिवाइडेड बाय rn इक्वल टू, इधर लॉग लोगे तो 2 log n हो जाएगा, ठीक। और ये वाला चीज़ जो हमारा दे रखा है y एक्सिस पे इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट तो 0 है तो ओरिजिन से पास होगा, और यहाँ इधर हमारा x एक्सिस पे log n ही दे रखा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा। तो हमारा ग्राफ जो बनना चाहिए कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए से हमारा मैच कर रहा है। तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट हमारा 50 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द जंक्शन डायोड सोन हियर आर फॉरवर्ड बायस, कौन सा हमारा यहाँ पे जंक्शन डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा फॉरवर्ड बायस का। फॉरवर्ड बायस में देखो पहले हाई और लो मार्क करो, ये -5 वोल्ट है, ये हमारा कितना है -10 वोल्ट है। तो ये -5 वोल्ट ना हाई पोटेंशियल हो गया और ये हमारा लो हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करो बी में, ये हमारा +5 वोल्ट दे रखा है, ये +5 वोल्ट है, ये हमारा +10 वोल्ट है, तो ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। सिमिलरली सी में जाओ, ये ग्राउंड जो होता है इसका 0 पोटेंशियल होता है, तो 0 पोटेंशियल हमारा -10 से तो ज़्यादा है, हाई ये लो, और यहाँ पे मार्क करो ये 0 पोटेंशियल, तो ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ठीक है, -5 कम होगा। अब जो हमारा होना चाहिए, जो डायोड जो लगा होना चाहिए वो हाई टू लो लगा होना चाहिए, जो हमारा हाई से लो के तरफ डायोड होना चाहिए, हाई से लो। और यहाँ पे हमारा क्या है, लो से हाई की तरफ है, ये हमारा गलत, बी हमारा हो जाएगा गलत, सी हमारा डायोड जो लगा हुआ है लो से हाई की तरफ है गलत। यहाँ पर हमारा क्या है, लो से हाई की तरफ है गलत। तो हमारा हाई से लो की तरफ जो डायोड लगा हुआ है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ए को। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो हमारा 50 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले ANTS में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।